अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, हमारे देश के एक शूरवीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ चुके हैं, मगर क्या आप जानते हैं, ठीक ऐसे ही कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कुछ कमांडर्स को अपने गिरफ्त में ले लिया था। तो क्या हुआ उनके साथ, क्या वो वापस अपने वतन आ पाए, आइए जानते हैं उनकी शौर्य से भरी कहानी। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ९९९ में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे तीन कमांडर्स को कैद कर लिया था और इनको काफी टॉर्चर किया गया था। पहले हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंपति नचिकेता। 27 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी सेना के अड्डों पर अटैक कर देती है और हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो कि कारगिल के बेटालिक सेक्टर के 9वें स्क्वाड्रन पर तैनात थे, उनको 17,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर 80mm के रॉकेट को दागना था। तभी नचिकेता के जेट मिग 27 पर एक मिसाइल से हमला होता है, जिस कारण वो पाकिस्तान की जमीन पर उतर जाते हैं और पाकिस्तान की सेना उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उसके बाद पाकिस्तानी सेना उनको रावलपिंडी जेल में काफ़ी टॉर्चर करती है और उनको 8 दिन बाद 3 जून 1999 के दिन छोड़ दिया जाता है। उनके अपने वतन को वापस आने का सबसे बड़ा कारण था भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों का दबाव। कैप्टन नचिकेता को 2000 में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। सेकंड है कैप्टन सौरभ कालिया। यह भारतीय थल सेना के कैप्टन थे। बस कुछ ही महीने हुए थे इनकी नौकरी को, उम्र थी 22 साल और ये कारगिल बॉर्डर में तैनात थे। 15 मई 1999 को उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दुश्मन की सेना काफ़ी बड़ी संख्या में है, जो कि तकरीबन 200 तक की है। वो इंडियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिना किसी परवाह किए बगैर वह पाकिस्तानी सेना से लोहा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कैप्टन सौरभ के सामने स्थिति काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि दुश्मनों के पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद, AK-47 जैसे हथियार थे और उनके सैनिकों की टुकड़ी 200 के आसपास थी। कैप्टन सौरभ अपने 5 साथियों के साथ बड़े साहस से दुश्मनों का सामना कर रहे थे, बट उनके हथियार खत्म हो जाने के कारणवश वो दुश्मनों से घिर गए और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और 22 दिनों तक अपने कैद में रखा ताकि उनसे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। बट उनसे पाकिस्तानी सेना को किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई, जिस कारण पाकिस्तानी सेना ने उन पर काफ़ी जुर्म किए। उनकी आंखें फोड़ दी गई, गालों पर कील गाड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई, कानों को गर्म रॉड से छेद दिया गया और इतना ही नहीं, उनके निजी अंग भी काट दिए गए और वो अपने साथियों के साथ देश के लिए कुर्बान हो गए। और जब पाकिस्तान ने उनका शव भारत को सौंपा, तब उनका कहना था कि इनकी लाश किसी गड्ढे में पड़ी हुई थी और मौसम बहुत ख़राब होने के कारण उनकी मौत हो गई। थर्ड है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। LOC के भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को वहां से हटाने के लिए भारतीय सेना ने सफ़ेद सागर नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट अजय आहूजा को पाकिस्तानी सेना की पोजीशन की जानकारी प्राप्त करनी थी, मतलब पाकिस्तानी सेना कहां कहां पर है, ताकि आगे प्लानिंग के साथ हमला किया जा सके। 27 मई 1999 जब वो अपना जेट MiG-21 LOC पर उड़ा रहे थे और पाकिस्तानी सेना का जायजा ले रहे थे, तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का विमान MiG-27 क्रैश हो गया है और वो पाकिस्तान में घुस गए हैं, जहां से बचना आसान नहीं है। मगर लीडर अजय आहूजा अपनी जान की परवाह किए बगैर LOC को पार कर देते हैं और पाकिस्तान में नचिकेता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक मिसाइल उनके जेट से टकराती है और उनको नीचे पाकिस्तानी जमीन पर कूदना पड़ता है, जिसके बाद भारतीय सेना का संपर्क अजय से हो नहीं पाता। 27 मई 8:30 बजे यह पता लग जाता है
कि अब लीडर अजय आहूजा धरती माँ के लिए शहीद हो गए हैं। जब पाकिस्तान ने उनका शव सौंपा तो ये बताया गया कि उनकी मौत हादसे के दौरान ही हो गई थी, जबकि सच तो यह है कि उनको काफी करीब से गोली मारी गई थी और यातनाएं भी दी गई थी। दोस्तों एक यह कारण भी कारगिल युद्ध भड़कने की थी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह थी शौर्य और बलिदान की दास्तां। ऐसे ही वीर जवान हमारी धरती माँ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। आइए हम सब ऐसे वीर जवानों को दिल से नमन करें। अगर ये शौर्य से भरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।